हेलो दोस्तों, कुकिंग विद रेखा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि इंस्टेंट सोया चाप या पनीर मसाला किस तरह से बनाया जाता है। वैसे जो असली सोया चाप या पनीर मसाला है किस तरह से बनाया जाता है, उसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। तो ये हमने गरम मसाला डाल दिया है। गरम मसाले में बहुत सारे मसाले एक साथ होते हैं, इसलिए हमने इसके अलावा और खड़े मसाले नहीं लिए हैं। तो ये डाल दिया हमने गरम मसाला। इसके साथ हम डाल देंगे भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, साथ में डाल देंगे जायफल। जायफल हमने लिया है, जायफल ये होता है, ये देखिए ये जायफल है, इसका हमने थोड़ा सा टुकड़ा जो है वो क्रश करके ले लिया है। तो ये हमने दो चुटकी जायफल यूज़ किया है। और ये पीपली ली है, पीपली कुछ इस तरह से होती है, लॉन्ग पेपर ये। तो ये हमने दो पीपली का पाउडर बना लिया है, इसमें से हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, मतलब एक पीपली का पाउडर हमने यूज़ कर लिया है। और ये लिया है हमने काली मिर्च का पाउडर और जावित्री का जो फूल होता है उसका भी पाउडर बना लिया है। गरम मसाला में जावित्री बहुत कम यूज़ होती है, तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा भी इसका पाउडर ले लिया है, आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम, और काली मिर्ची का पाउडर, इलायची का पाउडर लिया है, क्योंकि गरम मसाला में छोटी इलायची डली नहीं होती है, तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा जो है इलायची का पाउडर लिया है, दो से तीन चुटकी। ये लिया है हमने सौंठ का पाउडर, सौंठ मतलब सूखी जो अदरक होती है उसका पाउडर, आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम। और अब बारी आती है, ये हल्दी पाउडर ले लिया है आधी छोटी चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, और ये लिया है हमने काजू का पाउडर। आप चाहें तो अलग से काजू का पाउडर बना के रख सकते हैं, लेकिन हम इसी में ही मिक्स करेंगे। जो असलियत में जो मार्केट में सोया चाप मसाला मिलता है, पनीर मसाला मिलता है, उसमें ऑलरेडी पहले से काजू का पाउडर डला होता है, तो काजू का पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। बस अब हमें इसे कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। एक इन्ग्रीडियंट जो है नमक, वो भी इसमें डाल देंगे। तो ये हमारा सोया चाप मसाला, न्यूट्रिला मसाला या फिर पनीर मसाला रेडी हो चुका है। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इस मसाला से जो है आप न्यूट्री बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, शाही पनीर या फिर सोया चाप, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और इस मसाले की खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। जी देखिए, बहुत ही बेहतरीन मसाला बनकर रेडी हुआ है। इससे आप कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं, पनीर की, सोया चाप की, न्यूट्री की, किसी भी तरह की। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।